हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश ब्लॉग। मैं बहुत खुश हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया हैं। आपका स्वागत है मैं मजार फ्रेश ब्लॉग में, और एक नए ब्लॉग की शुरुआत है एक फ्रेश डे के साथ। और आप सभी का वेलकम बैक इन अ ब्लॉग। और भाई कैसे हो सारे आने पहले तो बताओ। दूसरी चीज, वेरी गुड आफ्टरनून। 12 बज गए ऑलमोस्ट, अभी ना जा रखा है पूरा सिस्टम। तो चलते हैं अंदर, बैठते हैं चलिए थोड़ी देर, और फिर चलते हैं नहाने। तो अभी जस्ट नहाने जा रहे थे, बस मैंने सोची पहले चल ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद नहाने वाने चलते हैं। सो बाय द वे, आज लास्ट डे है, आज को हमारी फिर से ट्रिप होने वाली है स्टार्ट। और अपन लोग चल रहे हैं राजस्थान अलवर फिर से। बीच में गए दिखाए थे ब्लॉग्स दिखा के, जिसने नहीं देखा फिर चल के दिखाते हैं क्या भाई। इस मंथ बहुत ट्रैवल है भाई। और ब्रो कैसे आप सभी लोग भाई? कैसे वन ऑफ माय फेवरेट, समझ रहे हो? आ चुके हैं नहा के गाइस, फाइनली हो चुके हैं रेडी, और ऑलमोस्ट चल रहे हैं बाहर, क्योंकि गाइस आज तो जानते हो लास्ट डे है कानपुर सिटी में। फिर से भाई हम निकल रहे हैं बाहर घूमने चल रहे हैं, और एक नई सीरीज फिर से स्टार्ट होगी व्लॉग्स की। आप लोग तो जुड़े रहोगे, आप लोग तो देखते रहोगे, हम जहाँ जहाँ जाते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। सो भाई तभी अभी तो क्या ही बोले यार, गर्मी में नहा के भाई जो रिलैक्सेशन आता है ना भाई, आहा नेक्स्ट लेवल। और भाई मैं बता सकता हूँ जिसको भाई गर्मी में एसी ना होने के बाद भी एसी के, पता है मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास आइडिया है सुनो। जब भाई आपके पास एसी ना हो, ठीक है, और आपको एसी वाला फील चाहिए, तो आपको करना क्या है, जहाँ पे आप लेटते हो बेड में, जहाँ पे भी आप लेटते हो वहाँ लेट जाओ जाके, और जैसे पंखा कूलर जो चला रहे हो उसको बंद कर दो, ठीक है। पंखा बंद कर दो, पंखा चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, कूलर बंद कर दो, सब बंद कर दो। 5-10 मिनट तक लेटे रहो उसी गर्मी में, ठीक है। जब 20 मिनट हो जाए, जब एकदम तुम पूरे पसीने से लथपथ, तब जाके पंखा ऑन कर दो। उसके बाद जो भाई सोच के ही हिमाचल पहुंच गए, जो ठंडा खाती है ना करेजे में भाई, वो एसी क्या 4 एसी से कम नहीं है, समझ रहे हो। सो ऐसे कर सकते हो आप लोग। अच्छा लगा तो लाइक करके जाना। और भाई चल रहे फाइनली कर लेते हैं पैकिंग, क्योंकि गाइस बहुत लेट हो रहे हैं, वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं, और पैकिंग वगैरह कुछ भाई नहीं हुई अभी तक। जल्दी से करते हैं पैकिंग, और ट्रेन तो खैर लेट नाइट की है, उसकी दिक्कत ना है, बट जो पेंडिंग्स काम थे वो तो खैर फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं सारे। पैकिंग बची है, उसको कर लेते जल्दी से, और अब देखते हैं क्या होना है आगे। मैं भी 3 दिन की कि 2 दिन की, 3 दिन की होने वाली है, और आज हमारी जर्नी होगी वो नहीं पता मुझे, ट्रेन तो पता है कानपुर प्रयागराज से बीकानेर तक जाती है। जो अरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, जब मैं राजस्थान गया था तो जिस ब्लॉग जो ट्रेन लिए था ना वही ट्रेन है, बट उसका नंबर मेरे को इस समय नहीं पता, वो मैं आने वाले ब्लॉग बता दूंगा अभी। और दूसरी चीज़ क्या भाई, अभी जैसे हम लोग ट्रेन की जर्नी करके आए 1.5 घंटे, 1 दिन 13-13 घंटे की भाई, वो तो इतनी बोरिंग हो गई थी गाइस। एक समय तक ट्रेन में भी अच्छा लगता है, उसके बाद उस समय के बाद ट्रेन में भी ख़राब लगने लगता है भाई। उस समय तो खैर क्या ही बोलें, जर्नी कम है ये में भी हम मान सकते हैं कितने घंटे की है, 1 से 9, अराउंड 9-9.5 घंटे की जर्नी है, रात भर की जर्नी है, रात में सो जाएंगे, सुबह जो होगा देखा जाएंगे। सो बाय द वे आज हमारी जर्नी गाइस, मैं 90% केसेस में एसी में एक दूसरे को कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है, और आप इतना ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर भी नहीं सकते एसी में। स्लीपर में लगातार बेचने वाला आएगा, लगातार बात करेंगे लोग, लगातार ये स्लीपर क्लास की जर्नी देखनी है मुझे तो पर्सनली। इस बार की मेरी टिकट स्लीपर की ही है, इधर से उधर से वापस से मेरी 3rd AC की है, तो उधर के फिर देखा जाएगी, उसकी दिक्कत ना है उधर की। सो एक बार इधर के एक्सपीरियंस ले लें, बट मुझे इतना पता है कि भाई स्लीपर की पथेटिक तो होती है, मैंने इतना सीरियसली मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई मुझे क्या रखने चाहिए और क्या नहीं रखने चाहिए अपने में से, क्योंकि भाई हम गए हैं थक, सच बताएं तो आपको हमारा भाई सिस्टम पूरा हैंग हो चुका है इस टाइम पे, और हमको सीरियसली नहीं समझ आ रहा है कि भाई हम कौन सी रख लें कौन सी ना रख लें। 3 दिन के ट्रिप है भाई, 2 जोड़ी तो रखने पड़ेंगे, यहाँ से तो लोअर ही पहन के जाएंगे भाई, क्योंकि गाइज लोअर निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि यस ट्रेवल वेवल में लोअर वगैरह ज़्यादा ईजी रहता है। कन्फ्यूजिंग काम है गाइज, ये सबसे कन्फ्यूजिंग काम है ये कि, और भाई ये देखो मेरी शर्ट रखी हुई है अभी,
क्लास ट्वेल्थ की मेरे फेयरवेल की शर्ट रखी है, ये मेरे क्लास ट्वेल्थ की हाउस शर्ट रखी है स्कूल की, मेरे पास अभी भी मैंने प्यार से रख रखी है भाई, सबके कोट्स भी लिखे हुए हैं उस पर, ये देखो खोल के दिखाएं, ये देखो। और उस दिन से गाइस मैंने इसको धुला भी नहीं है और ना ही मैं कभी अब धुलूंगा इसे। आज भी इसमें भाई वो फ्रेगरेंस की महक है जो उस दिन मैं लेके लगा गया था परफ्यूम। और भाई मैं ना धुला इसे, देखो मैं आई डी कार्ड आप लोग देख ही रखा है, आई डी कार्ड और ये मैं कभी नहीं, कोशिश तब तक भाई हम कोशिश तो पूरी करें कि कहीं भी खो ना। आ चुके हैं भाई तैयार भैया होके और प्रॉपरली निकलने वाले हैं थोड़ी देर में स्टेशन की ओर, ये है कुछ आउटफिट वगैरह, सो चलते हैं। और एक और सरप्राइज है हमारे साथ, वो आपको दिखाते हैं स्टेशन में ही। सो बाय द वे बैग में ये लेके चल रहा हूँ क्योंकि टांगने में आसान रहेगा ये हमको। सो बाय द वे निकलते हैं थोड़ी देर में तुरंत से और मजे मस्ती मजा करते हुए सब चलते हैं और देखते चल के क्या है क्या नहीं। बाहर तो गए थे अप्रॉक्स 12:30 बज रहे हैं, ट्रेन हमारी ऑन टाइम है, कोई लेट लगती कुछ भी नहीं। बाहर रोड देखो कितनी सुनसान हो रखी है इस टाइम पे, तो निकलते हैं जल्दी से फटाक से, मिलते हैं आपको। तो फाइनली पहुंच चुके हैं स्टेशन और भाई जो कहने जा रहे थे कि कुछ सरप्राइज है, अरे भाई आप नहीं दिखोगे हम दिख रहे हैं, तो जो कहने जा रहे थे वो है ये, आज ये है हमारे साथ एकदम से, क्योंकि इनकी भी ट्रेन हमारे ही टाइम पे है, मे भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म का भले एक दो का फर्क पड़े, बाकी तो ऑलमोस्ट साथ ही में है। ये क्या कहते हैं? तो अरे मतलब बहने हैं, वो बोल चुके हैं पहले व्लॉग बोल चुके हैं, सौम्या भी हैं, ये दोनों जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली और मेरे तो जानते हो और वो देखते चल के हम, हमारी ट्रेन तो भाई टाइम पे एकदम, इनकी लेट है 3-3 घंटे, हमारी लेट तो बढ़िया बढ़िया सी है, ऑन टाइम चले हैं, इनकी टाइम 3-3 घंटा लेट हो गया, समझो भाई इनकी ट्रेन है कैसी ट्रेन है, 3-3 घंटे लेट हो रही है, मतलब समझो भाई ये हमारे ब्लॉग में आने के लिए बताओ इनकी ट्रेन 3-3 घंटे लेट हो गया हो। तो 5 मिनट में बहुत होता है, मजे का उल्टा है। तो फाइनली आ गए भाई, आ जाता था, डरो नहीं, ये सब मजाक मस्ती है। इनको डर लग रहा है, पता इनकी ट्रेन जुड़ रही है, इनकी ट्रेन आ गई बल्कि हमारी ट्रेन 1 घंटे बाद है, और आ जा ब्लॉग में। कोई बात ना यार, अबे एक ऐसे ही एक दिन था जब सब एक बार और साथ थे, बट उसमें सब लोग एक ही जगह जा रहे थे, इसमें हम अलग जा रहे हैं, तुम लोग अलग जा रहे हो, अभी देखे चलो देखो हमारे प्लेटफॉर्म पे उतरी जा रही है, इसकी ट्रेन उधर आनी है, ये उतार रही है हमको, अगर मेरी ट्रेन छूटी जिम्मेदारी ये रहेंगी हम नहीं रहेंगे, जो सब मैं जाके भाग के बैठ जाके उसमें, ये देखो यही कह रही है कि उनकी ट्रेन आ गई है, इनके साथ ना भेजा करो अपने बच्चों को, दूसरी दूसरी ट्रेन हम बैठा लेंगे, उसके बच्चे इम्पोर्टेंट ना हो भेजो, अबे छोटी कितनी लग रही है देखो, हमसे छोटी है, बैग टांग के दो थोड़े बाहर से आओ नीचे हो गई है, कहाँ रास्ते में चल रहे किनारे चलो कहीं, उड़ो 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 सुबह हो गई, सूर सुबेदारगंज देहरूर कोठगाम। सो बाय द वे देखो भाई इनको खूब फोटो फोटो फोटो, कितना फोटो खींचेगी भाई, इसका मैं भाई 1 बजे रात तो भाई भीड़ देख रहे एक बार, रक्षाबंधन की भीड़ है भाई, ये तो रात के 1 बजे हैं, सोचो दिन के 1 बजे कितनी भीड़ होती होगी, अपना नहीं अपने को टिकट है, लेट के जाएंगे बस जो टास्क है मेन वो है सिर्फ चढ़ने का, चढ़ते वक्त भीड़ हो जाती है तो चढ़ने का टास्क नहीं होगा तो नहीं होगा, इनको देखो भाई फोटो वाटो खींचे लगे हैं, तो सौम्या तो एक्साइटेड हो, जाके मेरा ब्लॉग देखोगे कल, तुरंत देखेंगे भाई ये लोग ब्लॉग देखेंगे, यही होता क्या ही बोले, लाइक करते देखते रहेंगे, ठीक है ये भी ठीक है बट देखो भी पूरा,
लाइक करो करो देखो भी स्कूल जाना सबको दे देना जाके कह दो देखो मैं खूब देखो हाँ कहना हमको एक ब्लॉगर ने अप्रोच किया हमें अपने ब्लॉग में भाई इनकी बाद में आई हमारी पहले आ गई यार उधर हमारी एक पे है इनकी तीन पे थी तो भाई अभी अब चल रहे भाई भाई साहब इतना तगड़ा क्लैश हुआ है S2 है इतना तगड़ा क्लैश हुआ वो उनकी ट्रेन खड़ी है और हमारी ट्रेन आने वाली है समझ रहे नंबर तो गए ना वो बस अपने उसमें जा रहे हैं उनकी ट्रेन खड़ी है वो जो तो आगे उनका कोच है हमारा इधर है चल चुकी अपनी ट्रेन और ऑलमोस्ट लॉक्ड है इसका टेंशन अपना तो भाई जब आते आते स्लीपर में आपने देख लिया स्लीपर क्या देखा था आते आते लड़ाई होनी शुरू हो गई तो भाई जब ये होता है स्लीपर में और तो बस आके यहाँ पे खड़े हैं फर्स्ट टाइम स्लीपर एक्सपीरियंस ले रहे हैं अभी तक तो ठीक ही है और बर्फ भी मोस्ट ऑफ डिनर सोचिंग थी बहुत ईजिली मिल गई हमें बर्फ पर और बहुत अच्छे से लेता है दिक्कत ना आई कोई भी तो भाई जब चलते हैं अंदर ही देखते सीन है क्या सीन है क्या नहीं है भाई दबे ये है लेट चल रही इतना देखो कवर करेगी तो करेगी नहीं करेगी तो क्या ही करेगी जल्दी होती है तो और ये तो बात सही है बिल्कुल अभी भाई पहुंचे एक घंटे का लेट चल रही है कोशिश तो कर पाए तो कर लेगी नहीं कर पाएगी तो नहीं कर पाएगी क्या उसके लिए क्या बनाया और सुबह से तो चलो चलते हैं अंदर ही बैठते हैं चल के और क्या भाई स्लीपर का एक्सपीरियंस लेकिन सीरियसली पथेटिक ऐसे मतलब सोने वाले में दिक्कत नहीं है बट सीरियसली पथेटिक भाई आने वाला नहीं है मेरे साथ मेरा तो एक्सपीरियंस सही है मेरे को पर्सनली मजा नहीं आया भाई भीड़ देख रहा है भाई से भीड़ ये होता है स्लीपर का खाली काम बाकी सब तो ठीक था बस खाली स्लीपर का यही एक डिसएडवांटेज है और भाई हमको जाना किस तरह तीन नंबर की तरफ चलो उधर चलते हैं सो बाई द वे मैं भी इधर है सॉरी उधर चलते हैं सो बाई द वे फाइनली पहुंच गए अलवर सिटी थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते बाहर का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है तो करते हैं ब्लॉग को एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।